मेरा मेरी बहन, जवाब ये है इस मामले में, ये जितनी जो जिल्द की बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादातर ये जिन्नाती बीमारियाँ होती हैं। इसमें कुरान से भी दलील मिलती है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिल्द की बीमारी हुई थी, तो वो उन्होंने क्या कहा था अल्लाह को, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु वअंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी अश्शैतान बिनुस्बिन वअज़ाब, के अल्लाह मुझको शैतान ने ज़र पहुँचा रखी है ना, तो शैतान तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह ने इसको ताकत दी है। तो हम ना अपनी वो क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हैं वो असी तो अशरफुल मखलूक हैं, सानते कुछ नहीं होता, एक डिंगी तुम्हें नचा के रख देता है डिंगी है? तो जिन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मामा लगता है जी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये छूता भी है, ये मस करता है। कुरान कहता है कि उन हूरों को ना कभी किसी जिन ने छुआ होगा ना किसी इंसान ने, इसका मतलब ये छूता है, ये ज़र पहुँचाता है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि वो अपनी माँ या बहन किसी का भी वो पानी लेकर, अपने खामंद का, अपने किसी भी नेक बंदा जो नमाज पढ़ने वाला है उसका वुजू गुसल का पानी लेकर उससे 3 दिन नहाए, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आयतों की तलावत करें, ये दोनों जो मैंने पढ़ी हैं रब्बी अन्नी मस्सन यज़ुर्रवंता अरहमुर राहिमीन, और साथ जो दोनों मिला के हर नमाज के बाद 7 बार पढ़े, 3 बार पढ़े और अपने जिस्म को दम करे, इंशाल्लाह अल्लाह शफा देगा उसको।